Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। तो इसके अंतर्गत PhD की सीट्स निकली हैं। इस रिगार्डिंग हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, क्या इसकी फ़ीस रहती है, और इसके अलावा क्या यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है। कहने का मतलब है कम्प्लीट जो भी आपकी जानने लायक इन्फॉर्मेशन है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग लास्ट तक सुनते नहीं हैं और उन्हीं बातों को बार बार पूछते रहते हैं। तो पेशेंटली अपने लाइफ के 8 से 10 मिनट निकालकर इस चीज़ को सुन लीजिए, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। और जो आप लोगों को फिर अगर सेम रेगुलर मुझे एक मैसेज मिलते हैं तो बहुत बार रिप्लाई करने में भी लेट हो जाता है, एंड यू फील लाइक कि मैम हेल्प नहीं कर रहे या समथिंग एल्स। इट्स बेटर है ना कि अगर मैं कुछ यहाँ पर बता रही हूँ तो हम उसको पेशेंटली सुन लें, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो यहीं पर क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो फिर कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। और बहुत कोई जेन्यून और बहुत कोई क्विक प्रॉब्लम है कि मैम हमें क्विक डिसीजन चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत सारे जो हमारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के, अदर एग्जामिनेशन के, तो उनके अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर होते रहें, क्योंकि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, डिफरेंट PhD एडमिशंस, इन सब की बात करते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और इसी के साथ जो आपके जूनियर्स हैं, तो जो कॉमर्स सेक्शन के आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक बोर्ड एग्जाम रिलेटेड MCQ सीरीज चालू करने वाली हूँ, तो आप उनको भी चैनल शेयर कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं PhD एंट्रेंस गाइडलाइंस हमको दे रखी है 2023 की, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जहाँ से हम क्या करते हैं डिस्टेंस लर्निंग अपनी करते हैं। अब हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और एजुकेशन इन रेगुलर मोड फॉर सेशन 2023। क्योंकि कोटा ओपन का नाम सुनते हैं हमको लगता है कि सब कुछ ही प्राइवेट होगा घर बैठे, बट ध्यान रखिएगा PhD रेगुलर मोड है यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से स्टार्ट है? 16 जनवरी से लास्ट डेट है आपकी 31 जनवरी। प्रोसीजर देख लेते हैं हम, यहाँ पर प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन इन PhD विल बी नोटिफाइड इन एडवांस ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट एंड थ्रू एडवर्टीजमेंट इन एटलीस्ट 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स, ऑफ विच एटलीस्ट 1 शैल बी इन रीजनल। ये तो आपको बता रखा है कि किस तरीके से लोग अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह देंगे। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए? कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल हैव अ मास्टर्स डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ जो बात की है, लाइक CA CS को जैसे कि MCOM के इक्विवेलेंट कर दिया, तो उसकी लोग बात कर रहे हैं, उसको ये लोग अलाउ कर रहे हैं। बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी कम से कम 55% मार्क होने चाहिए आपके यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा और ऑथोराइज बाय एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन कॉर्पोरेट अंडर अ लॉ, ठीक है। ये सब रिलैक्सेशन जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 55% से 5% का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन है। कौन कौन सी कैटेगरी को है वो देख लेते हैं। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है। जनरल EWS को कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो उनको तो 55% ही चाहिए एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नोटिफाइड द इंस्टीट्यूशन कीपिंग इन द व्यू ऑफ गाइडलाइंस नॉर्म इन दिस रिगार्ड इशूड बाई UGC, तो वही सब फॉलो होंगे। अब एक बार हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया कि जो पर्स्यूइंग है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं, और जहाँ तक हम इसको प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर देखो इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं क्लियर करा। फॉर दोज हु हैड ऑब्टेन देयर मास्टर्स डिग्री, तो पुरानी वाली चीज़ है। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ द कैटेगरी मेंशन अबव आर परमिसिबल बेस्ड ऑनली द क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट इंक्लूडिंग, अगर ग्रेस मार्क वगैरह है तो फिर अप्लाई नहीं करने, मतलब ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। इसी के साथ ये क्लियर हो जाता है कि जो लोग अभी रेगुलर अपना MCOM, MSc, MA कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनका हो चुका वही अप्लाई करेंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी शैल एडमिट स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप, यानी कि जिनका GRF है UGC में, जिन्होंने अपना GRF क्लियर किया है, GATE, NET, ठीक है, एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू द मेरिट एज गिवन बिलो, और इसके अलावा या फिर क्या है,
यहाँ पर यानी कि साफ सी बात है कि जिन्होंने GRF क्लियर किया ये लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं और द यूनिवर्सिटी में एडमिट स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। और ये क्या कर सकती है, एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकती है इन द सब्जेक्ट इन विच नेट स्लैट GRF इज नॉट कंडक्टेड। ठीक है, ये लोग यहाँ पर अगर हम इसको प्रॉपर पढ़ें तो जो नेट और GRF है ये लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई करवा रहे हैं और उनको एडमिशन देंगे। अगर फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम आते हैं तो फिर ये लोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे जिसमें 70% एग्ज़ाम का वेटेज होगा, 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। GRF इज़ नॉट कंडक्टेड और सेकेंडली सफिशियंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर नॉट रिसीव्ड अंडर कैटेगरी, तब क्या होगा, तब जाके आपका एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर आयोजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द यूनिवर्सिटी शैल डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PhD सीट्स अवेलेबल। स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल। कम से कम आपको 50% मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं और रिलैक्सेशन मिल रहा है 5% मार्क्स का। कौन कौन सी कैटेगरी को, सारी कैटेगरीज को, जनरल को छोड़कर। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लीजिए, इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट UGC CSIR नेट गेट सीट एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट। ठीक है, यानी कि नेट और नेट GRF के अलावा रिसीव्ड आर मोर देन नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी फॉर डॉक्टर प्रोग्राम इन अ पर्टिकुलर, यानी कि कहने का मतलब है नेट GRF के जो कैंडिडेट्स हैं जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट से अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं तो मेरिट कैसे बनेगी उसकी बात की गई है। यहाँ पर वो लोग एक तरीके से आपका API बनाएंगे। एक तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिसके 30% मार्क्स हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज, आपका जो भी सब्जेक्ट है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिसर्च एप्टीट्यूड और 5 नंबर आपका जनरल परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अकेडमिक इंडेक्स की बात करें तो आपके जो मार्क्स हैं PG में 80% और अबव होंगे तो 25 मार्क्स, 70 से 80 होंगे तो 20 मार्क्स, इस तरीके से वो आपका API डिसाइड करेंगे। ग्रेजुएट डिग्री में यानी कि जो आपका BA BCom BBA XYZ इसमें जो भी आपका परसेंटेज आया है वो 12th का परसेंटेज 10th का परसेंटेज, तो ये सब लोगों को सब जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको ले रहे हैं और उससे आपकी मेरिट डिसाइड कर रहे हैं। देन आपका इंटरव्यू होगा और फिर जो इंटरव्यू के मार्क्स और दोनों के मार्क्स मिला के क्या करेंगे ये लोग, आपको फाइनल एडमिशन और फाइनल मेरिट बनाएंगे। द सक्सेसफुल स्कॉलरशिप्स कैंडिडेट एंड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड, ठीक है, यानी कि GRF और नेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिक ऑफ एकेडमिक मेरिट। ठीक है, यानी कि आपका द इंटरव्यू बोर्ड शैल कंसिस्ट, यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो भी आपके इंटरव्यू होंगे वो किस तरीके से होंगे। इंटरव्यू और वाइवा वॉक शैल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, द कैंडिडेट पजेसेस द कॉम्पिटेंस फॉर द प्रपोजल रिसर्च, आप जिस भी सब्जेक्ट में टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं वो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। रिसर्च वर्क कैन बी सूटेबली अंडरटेकर इन द इंस्टीट्यूशन और द प्रपोज एरिया ऑफ रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट टू न्यू और एडिशनल नॉलेज। आप देखते हो सीट की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में सीट है। जर्नलिज्म में आपके 3 सीट्स हैं, कॉमर्स में कोई भी सीट नहीं है, इंग्लिश में 3 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट हैं। नेक्स्ट आपके पास पब्लिक एड में 4 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में 2 हैं, संस्कृत में 1, इकोनॉमिक्स में 3, एजुकेशन में 2, स्पेशल एजुकेशन में 2, बॉटनी में 4 और मैथमेटिक्स में 4। कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट्स के अलावा यानी कि आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके और 34 सीट्स हैं, इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में कोई सीट नहीं है। तो आप लोग ये मत पूछिएगा कि मैम इसमें हिंदी की सीट नहीं है, मैम इसमें इस सब्जेक्ट की सीट नहीं है, मैम इसमें कॉमर्स का सीट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं ऑब्वियसली बात है सीट है नहीं। और हम अगर ऐसे नॉर्मल कुछ करते हैं तो अभी तो सीट डिक्लेयर होंगी नहीं, अब तो जब नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उसमें नई सीट्स आएंगी। तो हमारे पास 12 सब्जेक्ट हैं, 34 सीट हैं, तो जो कैंडिडेट GRF होल्डर्स हैं और GRF जिनका अबाउट टू एक्सपायरी है वो चाहे तो अच्छा चांस है उनके पास इन सब्जेक्ट्स में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स वर्क के बारे में आपको बता रखा है कि यहाँ पर 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल्स होंगे जहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, पब्लिकेशन एथिक्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और लेवल एडवांस नॉलेज जो भी है इनका कोर्स वर्क का पैटर्न तो ये उसके बारे में आपको बता रखा है। आफ्टर 6 मंथ जैसा कि होता है 6 मंथ का कोर्स वर्क फिक्स होता है और यहाँ पर 75% अटेंडेंस मैंडेटरी बताई गई है और अटेंडेंस का मतलब है आपको कोटा जाना पड़ेगा और वहाँ पर ही आपकी क्लासेस होंगी। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल सबमिट अ सिनॉप्सिस एंड ऑल्सो मेक अ प्रेजेंटेशन बिफोर द रिसर्च बोर्ड इन केस द कैंडिडेट डज नॉट क्लियर कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, यानी कि आपको बता रखा है कि कोर्स वर्क एग्जामिनेशन क्लियर करोगे उसी के बाद सिनॉप्सिस सबमिट होगी, फाइनल PhD रजिस्ट्रेशन आपका कोर्स वर्क के बाद ही होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है, नॉन पेमेंट ऑफ फीस, अनसेटिस्फिकेटरी प्रोग्रेस, नॉन कंपाइलेंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑडियंस ऑन रिसर्च, फेलियर टू सबमिट द थीसिस, ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, और एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन बाय द कैंडिडेट्स, नो री रजिस्ट्रेशन इज अलाउड। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स वगैरह है वो बता रखे हैं। डॉक्यूमेंट और एंट्रेंस अगर होता है तो कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है कोटा में होगा, जहाँ पर वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इनकी बाकी कुछ ब्रांचेज हैं बट वो अदर डिस्ट्रिक्ट में है तो ये लोग कोटा ही बुलाएंगे क्योंकि मेन वहीं पर ही है। एंट्रेंस टेस्ट अगर होता है तो 2 घंटे का होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको बता रखा है कि ओरिजिनल आईडी वगैरह लेकर आनी है। पेपर में क्या क्या होगा वो देख लीजिए, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, दोनों लैंग्वेज में पेपर है, ऑफलाइन ये पेपर होगा, कोटा सेंटर पे होगा। 50% आपका सिलेबस केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी का आएगा और 50% जो भी आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट है उसका नेट का सिलेबस यहाँ पर ये लोग कवर करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ टाई बिटवीन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन एनी सब्जेक्ट्स, तो फिर मेरिट कैसी बनेगी, कंपेयरिंग द पीजी मार्क्स, ठीक है, फिर भी अगर इक्वल रहता है तो यूजी मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना मेन मेन बात तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं तो आपकी 5,000 है, ट्यूशन फीस हर साल 25,000 लगेगी, लाइब्रेरी क्वेश्चन मनी 1,000 है, लाइब्रेरी की फीस 3,000 है, लेबोरेटरी की फीस 3,000 है, और थीसिस सबमिशन और इक्विलेशन इवेल्यूशन फीस है आपकी 10,000। तो हम कह सकते हैं मिनिमम हमारा 2 साल का तो पीएचडी कर दिया तो 50K तो आपका यही हो गया, क्लियर। इसके अलावा ये जो खर्चे हैं और इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अराउंड 1 लाख के आसपास यहाँ से आपका पीएचडी करने का खर्चा बैठ सकता है। सिलेबस की हम बात करते हैं तो रिसर्च का सिलेबस फॉर द रिसर्च बेस्ड पेपर फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेजरमेंट्स, तो इसके लिए आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक प्रीफर कर सकते हैं, रिसर्च स्ट्रेटजी, सैम्पलिंग, एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च, और इसके बाद है आपके पास लैंग्वेज इन रिसर्च, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, और 50 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस हो जाएगा जो रिलेवेंट सब्जेक्ट आपका है और उसमें NTU UGC नेट जो फॉलो कर रहा है। आई होप एंड विश की वीडियो पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट जो बातें थी हमने डिस्कस कर ली, ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं, केवल 12 सब्जेक्ट हैं, 34 सीटें हैं, ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन फीस बता नहीं रखी है कि एग्जामिनेशन फीस ये लोग कितनी ले रहे हैं, अदरवाइज मैं क्लियर कर देती। तो ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें, ज़्यादा टाइम हमारे पास मिलेगा नहीं, 15 दिन आपके यहाँ पर मिलेंगे, 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यहाँ पर आपको क्या बताई गई है, इनकी डेट बताई गई है, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म फिल करना ना भूलें, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, और GRF वालों के लिए तो अच्छा चांस है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, चैनल को याद से सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के PhD एंट्रेंसेस की बात हम यहाँ पर करते हैं, और जिनमें कम सीट्स होती हैं या फिर जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अगर उनके नोटिफिकेशंस निकलते हैं तो मैं उनको टेलीग्राम पर पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए अनडिमांडेड हो, किसी के लिए हो सकता है वो यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो हम सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल क्या करें याद से ज्वाइन कर लीजिए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना।